हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल देसी फूड किंग। आज की रेसिपी जो है वो हम नहीं कोई और बनाने जा रहा है, तो वो और कोई नहीं बस मेरे भाई साहब है छोटे से। तो आइए देखते हैं वो क्या बनाते हैं, वो अपने ही मुंह से बोलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भानु शुक्ला और आज हम बनाने वाले हैं मटर मशरूम, जिसके लिए हम बारीक बारीक कटा हुआ प्याज, छोटे छोटे कटे हुए टमाटर और ये है मशरूम हमारा, ये है हरा मटर, इसमें हमारे कटे हुए अदरक, लहसुन और मिर्च है, ये है हमारा दही, उसके बाद ये हमारे बारीक कटे हुए धनिया की पत्तियाँ, सूखा धनिया का पाउडर, हल्दी पाउडर, ये जीरा का पाउडर है और ये गरम मसाला। उसके साथ कलर के लिए हम यूज़ करेंगे देगी मिर्च का लाल मिर्च, बहुत ही बेहतरीन कलर आता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कढ़ाई रखेंगे, उसमें डालेंगे हम 2 चम्मच का रिफाइन ऑयल और ये गरम हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे हरा छोटा छोटा कटा हुआ प्याज और इसे हम हल्का सा भून लेंगे, उतना भूनेंगे कि ये कच्चा भी ना रहे और ये जल भी ना जाए, हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए तब तक इसे हम भूनेंगे। प्याज हमारा हो चुका है, हमें अब इससे अधिक इसको नहीं भूनना है। अब इसमें हम कटे हुए जो अपने हरी मिर्च है इसको डाल देंगे, बड़े बड़े जो हमारे कटे हुए अदरक हैं उनको डाल देंगे और जो लहसुन है उसे भी डाल देंगे। अब इसे भी हम हल्का सा इसी प्याज के साथ भून लेंगे। हल्का सा भूनने के बाद अब इसमें हमने जो टमाटर काट रखे हैं उनको ऐड कर लेंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। इन्हें हमें तब तक भून लेना है जब तक टमाटर हमारे नरम ना हो जाएं, तब तक इन्हें हमको भून लेना है अच्छे से। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टमाटर को नरम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होता है वो होता है नमक। अगर हम इसमें नमक ऐड कर देंगे तो ये और जल्दी से और तेज़ी से नरम होगा। इसमें हम ये हल्का सा नमक डाल देंगे, इससे होगा क्या कि ये हमारे टमाटर जो हैं वो थोड़े से जल्दी नरम होंगे। इनको अच्छे से हमें चला लेना है, चलाने के बाद इन्हें हम ढक लेंगे। और रेफरेंस के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं मीडियम लो फ्लेम पे इसे पका रहा हूं। तो 1 मिनट करने के बाद हम लोग देखेंगे जैसे कि हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब कुछ नहीं करना है, इसे हमें इन्हें 5 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, उसके बाद हम इसे मिक्सर में डाल के ग्राइंड करेंगे। एक कढ़ाई में हम सरसों का तेल ले लेंगे और इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा हमारा अच्छे से पॉप हो जाएगा। इसमें हम 1 तेज़पत्ता डाल देंगे और इस तेज पत्ते को हम अच्छे से चला लेंगे जब तक ये पॉप हो जाता है। जीरा हमारा हल्का हल्का जब ब्राउन कलर हो जाए, इसको ब्राउन होने के बाद हमने जो पेस्ट बनाया है वो पेस्ट इसमें हम ऐड कर लेंगे। इस पेस्ट को हम धीरे धीरे इसमें मिक्स कर देंगे। तेल जो है हमारे ग्रेवी के साथ एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएगा और इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक हमारा तेल और ग्रेवी दोनों अलग अलग ना हो जाएं। बस अब 2 मिनट इसको भूनने के बाद इसमें हम 1 चम्मच डाल लेंगे अपना लाल मिर्च, साथ ही साथ 1/2 चम्मच इसमें हम डाल देंगे हल्दी और अब इसे हम दोनों पकाएंगे अच्छे से ताकि इसे कलर हमारा एक अच्छा सा आ जाए। अब हम इसे पूरे ग्रेवी के साथ दोनों मसालों को भी अच्छे से भून लेंगे, इससे लास्ट में हमारे कलर जो है सब्जी का बेहतरीन एक अलग फ्लेवर, एक अलग टेक्सचर आएगा। चलाने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, तब तक के लिए जब तक के लिए तेल और हमारा ग्रेवी दोनों ही अलग अलग ना हो जाए। बीच बीच में इसे हमें खोल के देख लेना है कि कहीं हमारा ग्रेवी जो है वो नीचे लग तो नहीं रहा है। इसे थोड़ा थोड़ा सा बीच बीच में हमें चला लेना है और जैसा कि देखिए हल्का हल्का हमें हमारा तेल जो है वो अलग होना शुरू हो गया है। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ इसे 2 या 3 मिनट में और पकाना है, हमारी ग्रेवी और तेल जो है दोनों अलग अलग हो जाएगा। इसको 2 मिनट के लिए हम फिर से ढक देंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। आइए अब देखते हैं हम कहाँ तक हमारा ग्रेवी पहुँचा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं तेल एकदम अलग हो गया है, ग्रेवी हमारी अलग हो गई है, काफ़ी अच्छे से पक चुका है। ये एकदम परफेक्ट टाइम है कि अब इसमें हम हरा धनिया डाल दें। ये सूखा हुआ हरा धनिया है, 1 चम्मच इसमें हम डाल देंगे और साथ ही साथ में हम इसमें हरी मटर भी डाल देंगे। अगर आप लोग फ्रोज़न मटर यूज़ कर रहे हैं
तो इसी के साथ आप लोग मशरूम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं फ्रोज़न मटर नहीं यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसे थोड़ी देर ग्रेवी के साथ पकाऊंगा। और ग्रेवी के साथ हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर भूनेंगे, और इसको मटर को थोड़ी देर हम इसको पका लेंगे। थोड़ी देर मटर को भून लेने के बाद अब इसमें हमें 2 बड़ा चम्मच जो है वो दही डालना है। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको और भूनेंगे। हमें इसे तब तक भूनते रहना जब तक सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स ना हो जाएं। सबसे प्लस पॉइंट क्या है, सारी चीज़ें जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो एक स्मोकी कलर मिलेगा हमें, जो कि देखने में बेहद बहुत ही बेहतरीन लगता है। एक रेस्टोरेंट जैसा हमें फील आएगा पूरे, मतलब कलर में, सब्जी में, टेस्ट में। तो हमको इसको अच्छे से ऐसे भूनते रहना है और थोड़ी देर के लिए इसे हम ढक देंगे। अब इसे हम खोलेंगे और देखेंगे, और जैसे कि हम देख रहे हैं हमारा मटर हल्का हल्का पकना शुरू हो गया है, और ये एकदम परफेक्ट समय है। इसमें हम 1 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच हमारा गरम मसाला डालेंगे, और थोड़ा सा हम पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे पकने के लिए। इतना पानी पर्याप्त है, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल लिया हमने, अब इसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 2.5 मिनट के लिए, ताकि इसमें अच्छे से उबाल आ जाए और हमारा जो है पानी जो है वो अच्छे से पक जाए। आइए अब इसे देखते हैं हम लोग। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, अब मटर जो हमारे वो अच्छे से गल चुके हैं। अब इसमें हम जो मशरूम कटे हुए हैं उनको ऐड कर लेंगे। मशरूम को ऐड कर लेने के बाद इन्हें हम 2 मिनट पका लेंगे। पकाने के बाद इसे गर्मा गर्म सर्व करिए, खुद खाइए, सबको खिलाइए। और अगर आपको हमारा ये मटर मशरूम की रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर से जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट दीजिएगा। अगली बार आप कौन सी सब्जी खाना पसंद करेंगे कमेंट में बताइए, हम आपके लिए उसे लेके आएंगे। जय हिंद। ये देखिए उनका काम ख़त्म हो गया, ये बना के चले गए अपना। कितना स्वादिष्ट, कितना सुंदर सब्जी बना के तैयार कर दिए हैं। और सब्जी मेरा बन के एकदम तैयार हो गया, इसे हम बंद कर देते हैं। एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।